वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है कनेक्ट एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कॉल वेटिंग को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी के साथ अगर कॉल पे बिजी हैं और बीच में कोई और कॉल कर रहा है, तो उसका कॉल डायरेक्ट उसको बिजी ना बताते हुए वेटिंग में आए, तो हमें भी इंडिकेट हो सके कि किसी का कॉल आ रहा है। तो ऐसे में यदि आपके पास सैमसंग का हैंडसेट है तो आपको कॉलिंग में जाना है। कॉलिंग में जाने के बाद ये जो पोर्टफोलियो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि ये जो एरिया देख पा रहे हैं, ये कॉलिंग का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो थ्री डॉट्स हैं। थ्री डॉट्स पे आपको सिंपली क्लिक करना है और उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में, ठीक है। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सैमसंग दो टाइप से सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। यदि आपको यहाँ कहीं भी कॉल वेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसे ओके करके और एक्टिवेट कर सकते हैं, ये पूरे सेक्शन में, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप कीजिए सप्लीमेंट्री सर्विस पे क्लिक। अगर है ऑप्शन तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सप्लीमेंट्री सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सप्लीमेंट्री सर्विस का नया फोल्डर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जिसमें आपको कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बेयरिंग, कॉल वेटिंग। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो कॉल वेटिंग का एरिया वो ऑन है। यदि इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा फिर मुझे किसी की डायरेक्ट वेटिंग कॉल वाली शो नहीं होगी। अगर ये ऑफ़ कर दूँगा तो मुझे शो नहीं होगा। अगर ये ऑन है तो यहाँ पर अगर मैं किसी से बिज़ी हूँ और बीच में किसी और का कॉल आता है तो वो वेटिंग में मुझे पता चलेगा कि किसी और का कॉल भी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा जल्दी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।